महीने में आपका कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तब अनिल रिटर्न फाइल करना है जीएसटी का, ठीक है? वो कैसा करना है मैं सिखाऊंगा। पहले आपको जाना है गूगल क्रोम, कोई भी आपका ब्राउजर लीजिए, उसमें जाके आप यहाँ टाइप कीजिए gst.gov.in, टाइप करना है, ठीक है? एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको ऐसा एक वेबसाइट मिलेगा, ये होम पेज है, ठीक है? यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन डिटेल्स। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी का, आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल रहेगा, ठीक है? ये आप यूजर नेम पासवर्ड आपके पास जो है वो एंटर करना है। मेरे पास एक यूजर नेम पासवर्ड है, मैं एंटर कर रहा हूँ। देखिए आप चाहें जो भी कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पे डालना है आपको, जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे डालना है, 5 7 6 12 5, ठीक है? लॉगिन। ये लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, इसमें आप ये कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस है, पे टैक्स एंड फाइल रिटर्न। मुझे फाइल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं फाइल रिटर्न सेलेक्ट किया। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड रिटर्न फाइलिंग पीरियड, देखिए लास्ट मंथ का, आपका जो भी महीना है उसका रिटर्न फाइलिंग वही महीने में नहीं कर सकते हैं। वो महीने का ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद नेक्स्ट मंथ 20th तक टाइम रहेगा, ठीक है? तो अभी चल रहा है अक्टूबर, मुझे सितंबर का रिटर्न फाइल करना है, ठीक है? सितंबर सेलेक्ट किया, सर्च। तो यहाँ पे आपको पहले करना है GSTR 1, प्रिपेयर ऑफलाइन प्रिपेयर ऑनलाइन है, मैं प्रिपेयर ऑनलाइन कर रहा हूँ। निल रिटर्न फाइल करने का आपको मैं सिखा रहा हूँ आज, ठीक है? प्रिपेयर ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको सीधा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एक्नोलेज करना है, इसको क्लिक करना है, ये बॉक्स को चेक करके जनरेट GSTR ऑन समरी जनरेट कीजिए, ठीक है? यहाँ पे दिखा रहा है आपको जनरेट GSTR ऑन समरी, प्रोसेस इज इनिशिएटेड, प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट के बाद आप क्या करना है इसको चेक करना है। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करूंगा। GSTR 0035 लॉग इन, फिर से सेम ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, उसके बाद फाइल रिटर्न, फाइल लास्ट मंथ सेलेक्ट करना है सितंबर, सर्च। स्क्रॉल डाउन करके प्रिपेयर ऑनलाइन, ये GSTR 1 है, ठीक है? 2 3 B ये सब है, पे मुझे करना है GSTR 1 प्रिपेयर ऑनलाइन। करने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन कीजिए, फिर से इसको चेक करना है, चेक करके अभी जनरेट हुआ है, प्रीव्यू कर सकते हैं क्या क्या है। प्रीव्यू किया तो आपको डाउनलोड होगा एक्सेल में,
वो जो भी आपका अगर ट्रांजैक्शन है वो दिख जाएगा। मेरा अभी निल है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, सबमिट किया मैं इसको। प्रोसीड, वी बोल रहा है योर सबमिट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक स्टेटस इन सम टाइम। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़ा वेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी जल्दी आपको मिल जाएगा, ये तो थोड़ा देर लगेगा। मैं लॉग इन करके फिर से चेक कर रहा हूँ। फिर से मैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, फाइल रिटर्न्स, उसके बाद मैं मंथ सेलेक्ट किया सितंबर, सर्च फाइल GSTR1, स्क्रॉल डाउन करो यहाँ पे। अभी ये रिटर्न के लिए रेडी है, फाइल करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक किया, यहाँ पे ये बॉक्स चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी प्रोपराइटर नेम है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप SMS के थ्रू अपलोड लेने के लिए वन टाइम पासवर्ड, ये फाइल विथ ABC क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपको SMS में OTP मिलेगा। ठीक है, वो लेके आप डाल दीजिए इसमें F1C। ठीक है, डाल के वेरीफाई करना है। इमीडिएटली आपको रिटर्न जो फाइल किया आपने उसका कंफर्मेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, GST फॉर द रिटर्न पीरियड September 2019-20 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज, GSTR1 कैन बी व्यूड ऑन योर डैशबोर्ड लॉग इन टैक्स पेयर। यहाँ पे पाथ बोल रहा है, यहाँ जाके आप देख सकते हैं बोल के, जिसमें से सेंड योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आल्सो। मोबाइल नंबर पे भी आपको कंफर्मेशन मिलेगा GSTR1 ना सबमिट किया है, रिटर्न फाइल किया है इसका। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे। GSTR1 होने के बाद आपको फिर से 3B करना है रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, सेम ही गया फाइल रिटर्न, सेम सेप्टेम्बर सर्च, ये देखिए फाइल्ड दिखा रहा है फाइल्ड। ठीक है, फाइल हो गया है, अभी आपको करना है 3B, ये भी प्रिपेयर ऑनलाइन। ये कुछ मैसेज है, ये चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। ओके किया इसको। ये 3B में फर्स्ट ऑप्शन है, डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न, ओके यस कीजिए, और बाकी का सब हाइड हो जाएगा, ऑप्शन नहीं रहेगा चेक करने के लिए। इसके बाद निल नेक्स्ट करना है, डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न, इसको यस करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करके ये बॉक्स जो है चेक कीजिए इसको।
करने के बाद आपका बिजनेस नेम या प्रोपराइटर नेम यहाँ पे दिखाएगा। ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे भी आपको फाइल रजिस्टर थ्री बी विथ ईवीसी करना है एसएमएस में ओटीपी पाने के लिए। ठीक है, मैं किया इसको क्लिक, मिल गया मुझे ओटीपी। यहाँ पे वेरीफाई किया मैं तो फाइलिंग सक्सेसफुल, यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन मिल गया और ईमेल में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह आप निल रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। अब आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अभी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं जीएसटी के बारे में और टैली अकाउंटिंग के बारे में, एक्सेल के बारे में कंटिन्यू आपको वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।